आप में से काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई अंडर 40,000 बजट में अच्छा स्मार्टफोन सजेस्ट करिए जो हमारी नीड के अकॉर्डिंग अच्छा रहे। तो यहाँ पे मैं कुछ स्मार्टफोन्स आपके लिए लेके आया हूँ, और सबसे अच्छी बात कि जितने भी स्मार्टफोन्स मैं आपको आज बताऊंगा वो सभी मैंने पर्सनली यूज करे हैं, एक्सपीरियंस किए हुए हैं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा प्रोज एंड कॉन्स के फॉर्मेट में। तो किस फोन के क्या प्रोज हैं, कॉन्स हैं, वो सब कुछ आपको जानने को मिल जाएगा, और कौन सा वाला आपकी नीड के अकॉर्डिंग बेटर रहेगा वो आप डिसाइड कर पाएंगे। तो मेरा नाम है नमन, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड, और हमेशा की तरह सबसे पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है बेसिकली आपने, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे सब्सक्रिप्शन वाला ग्राफ बढ़ता है तो मतलब काफी खुशी होती है, अच्छा लगता है, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। काफी ज्यादा टाइम, एफर्ट्स और पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं भाई ऐसी वीडियोस बनाने के लिए, तो अगर बदले में कुछ आपसे मुझे मिलेगा तो काफी खुशी होगी। सबसे पहला स्मार्टफोन रहेगा इस लिस्ट में सैमसंग गैलेक्सी S20 फैन एडिशन 5G। इसके बेसिक फीचर्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे 120 हर्ट्ज की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, सैमसंग की डिस्प्ले है, क्वालिटी अच्छी है, आउटडोर ब्राइटनेस भी ठीक कहूंगा मैं, और डिवाइस ओवरऑल काफी स्मूथ फील होता है, लैग फ्री एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। इससे मैंने काफी लंबे टाइम के लिए यूज किया था। अब क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन 865 चिपसेट दिया गया है तो इसकी परफॉर्मेंस मुझे काफी अच्छी लगी थी। एक्सिनोस वाला वेरिएंट बहुत बेकार था, उसे भी मैंने ट्राई किया था, उससे ये काफी बेटर परफॉर्म करता है, चाहे डे टू डे टास्क की बात करें, चाहे गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करें, चाहे हैवी टास्क की बात करें। बाकी डुअल स्पीकर मिल जाते हैं, साउंड एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा मिल जाता है, IP68 रेटेड है, तो पानी वानी डाल देंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी इसमें मिल जाता है। और अगर कैमरा की बात करते हैं तो यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन कैमरा तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी इमेज क्वालिटी काफी कमाल की है, इमेज प्रोसेसिंग पे काफी अच्छा काम किया यहाँ पे सैमसंग ने, और साथ ही वीडियो क्वालिटी भी काफी कमाल निकल के आती है। यहाँ पे OIS मिल जाता है, टेलीफोटो जूम लेंस मिल जाता है, और फ्रंट एंड रियर दोनों ही कैमरा से आप अप टू 4K 60fps वीडियो शूट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट लगा मुझे इस वाले स्मार्टफोन का। वैसे ये प्राइस किया गया है 47-48,000 रुपीज में, लेकिन डिस्काउंट में कई बार ये 40,000 या इसके अंदर भी आपको मिल सकता है, और इसके फ्रंट एंड रियर दोनों ही कैमरा से आप पोर्ट्रेट मोड में वीडियो शूट कर सकते हैं, और ये एक 5G स्मार्टफोन है। कॉन्स की बात करते हैं तो प्लास्टिक बैग आपको इसमें मिल जाता है, 12 मेगापिक्सल का जो टेलीफोटो कैमरा दिया गया है उसके थ्रू आप पोर्ट्रेट मोड में इमेज कैप्चर नहीं कर सकते हैं, 3.5 हेडफोन जैक भी आपको देखने को नहीं मिलता है इसमें, और सबसे बड़ा कॉन मेरे लिए रहेगा इसमें कि 15 वॉट का अडाप्टर ऐड किया गया है, मतलब बॉक्स में दिया गया है। अब इस लिस्ट में दूसरा स्मार्टफोन रहेगा OnePlus 9R। जी हाँ, OnePlus 9R, इसकी भी बेसिक डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब इसकी भी डिस्प्ले मुझे ओवरऑल काफी बढ़िया लगी थी, 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, काफी स्मूथ फील होता है ये स्मार्टफोन भी, काफी नीट एंड क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिल जाता है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के मामले में ये वाला स्मार्टफोन मुझे सबसे बेस्ट लगता है, और गेमिंग परफॉर्मेंस भी ओवरऑल काफी बढ़िया निकल के आती है इस वाले स्मार्टफोन से, बैटरी लाइफ भी बढ़िया है, साउंड क्वालिटी भी काफी कमाल की है, डुअल स्पीकर्स यहाँ पे भी दिए गए हैं, हैप्टिक फीडबैक भी काफी बढ़िया है, और सबसे कमाल की बात इन हैंड फील इसकी अच्छी लगती है, मतलब हाथ में पकड़ने में बहुत बल्कि बहुत भारी फोन नहीं फील होता, और यूज करने में ऐसा काफी कंफर्टेबल फील होता है। ग्लास बैक और मेटल फ्रेम आपको इसमें मिल जाता है। अब OnePlus के डिवाइस में हमने देखा कि 4G कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट काफी बढ़िया मिल जाता है, तो इसमें भी काफी सारे बैंड्स के का सपोर्ट आपको मिल जाएगा, तो 4G प्लस में आपको बेटर डाउनलोड स्पीड देखने को मिल जाएगी, और साथ में इसकी वीडियो क्वालिटी मुझे अच्छी लगी थी, और स्टेबलाइजेशन खास करके काफी अच्छी लगी थी, OIS इसमें भी मिल जाता है। बट अगर कॉन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे इमेज क्वालिटी इसकी थोड़ा और अच्छी हो सकती थी, और साथ में लो रेजोल्यूशन कैमरा इसमें आपको मिल जाएंगे पीछे की साइड, 3.5 हेडफोन जैक आपको इसमें भी नहीं मिलता, और सिर्फ एक 5G बैंड का सपोर्ट इसमें मिलता है। अब इस लिस्ट में अगला स्मार्टफोन रहेगा iQOO की तरफ से iQOO 7 Legend। अब इसके भी बेसिक डिटेल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छी लगी, 120 हर्ट्ज यहाँ पे भी मिल जाता है, एमोलेड डिस्प्ले है, ओवरऑल काफी वाइब्रेंट कलर्स आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगे, डिवाइस का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी ओवरऑल मुझे अच्छा लगा, हालांकि कुछ ब्लॉटवेयर और चीजें ऐसी मिल जाती है, लेकिन UI मुझे काफी अच्छा लगता है, मतलब स्टॉक एंड्रॉइड जैसा लगता है। स्नैपड्रैगन 888 के साथ परफॉर्मेंस भी काफी कमाल की मिल जाती है, गेमिंग परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया है इसमें, और साथ ही हीटिंग इश्यूज भी मैंने नोटिस नहीं किया, लेकिन गेमिंग के दौरान थोड़ा सा बैटरी ड्रेन इशू मैंने नोटिस किया iQOO 7 Legend में, और बैटरी लाइफ इसकी मैं डिसेंट कहूंगा, और साउंड क्वालिटी और हैप्टिक फीडबैक इसका भी काफी कमाल का है, बिल्ड क्वालिटी इसकी भी काफी प्रीमियम है, साथ में OIS मिल जाता है, और टेलीफोटो जूम लेंस भी मिल जाता है जिसको यूज करके आप पोर्ट्रेट मोड में इमेज भी कैप्चर कर सकते हैं, और उन इमेजेस की बात ही अलग होती है, मतलब काफी कमाल की इमेज लगती हैं, और साथ में 4G प्लस का सपोर्ट यहाँ पे भी मिल जाता है आपको। अगर इसके कॉन्स की बात करते हैं तो थोड़ा सा ये वाला स्मार्टफोन भारी फील होता है, और फ्रंट कैमरा में पोर्ट्रेट मोड में खास करके इसमें एक बग है जो कि वीवो और iQOO के कई स्मार्टफोन्स में हमने देखा है, जो कि बैकग्राउंड ब्लर अप्लाई नहीं करता, साथ में 3.5 हेडफोन जैक इसमें भी आपको नहीं मिलता। अब अगला स्मार्टफोन रहेगा वीवो X60, और इसकी भी बेसिक डिटेल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। वैसे 37-38 हज़ार रुपये का लॉन्च किया गया था, लेकिन ऑफलाइन मार्केट में
हैं, आप इसे 30,000-32,000 रुपए के प्राइस पे भी परचेस कर सकते हैं। तो ऑफलाइन जरूर पता करिए इस वाले स्मार्टफोन को अगर आपको इसे बाय करना है तो। अब यहाँ पे इस वाले स्मार्टफोन में और IQ 7 Legend में काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं, यानी कि यहाँ पे भी आपको 120 हर्ट्ज की एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, बट ये वाला स्मार्टफोन थोड़ा इजी टू यूज है, कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है और इसमें स्नैपड्रैगन 870 चिपसेट मिल जाता है। बाकी कैमरा के मामले में कॉन्फ़िगरेशंस एकदम IQ 7 Legend जैसी हैं और मैंने कैमरा को कंपेयर भी किया था IQ 7 Legend से, तो काफी ज्यादा सिमिलर रिजल्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे और बाकी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी आपको IQ 7 Legend जैसा ही इसमें मिलेगा। तो अगर आपको थोड़ा भारी फोन नहीं पसंद है IQ 7 Legend जैसा और आपको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन चाहिए तो Vivo X60 एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बाकी 4G प्लस का सपोर्ट इसमें भी आपको मिल जाता है और 5G फोन ये वाला भी है। कॉन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे इसमें डुअल स्पीकर्स नहीं मिलते, सिंगल स्पीकर मिल जाते हैं। साउंड क्वालिटी काफी एवरेज लगी मुझे इस प्राइस के हिसाब से और हैप्टिक फीडबैक भी मुझे थोड़ा एवरेज लगा इसका। अब हमारा लास्ट फोन रहेगा इस वाले लिस्ट में IQ 7, इसकी भी बेसिक डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब अंडर 40,000 की प्राइस कैटेगरी में आज के टाइम पे Vivo एंड कंपनी का बोलबाला है, उन्हीं का दबदबा है। मतलब तीन फोन्स आपने देख लिए, IQ 7, IQ 7 Legend और Vivo X60, तो ये बात माननी पड़ेगी Vivo ने पिछले कुछ टाइम से मतलब काफी अच्छा काम किया है। यूजर्स की नीड को समझते हुए फीचर्स दिए हैं और प्राइसिंग भी काफी अग्रेसिव रख रहे हैं ये। इसमें भी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस हो गया या फिर डिस्प्ले एक्सपीरियंस हो गया काफी सिमिलर आपको मिलने वाला है। 120 हर्ट्ज की एमोलेड डिस्प्ले आपको इसमें मिल जाती है। कुछ यूजर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि इसमें ग्रीन टिंट का इशू है, बट मेरी यूनिट में मैंने ऐसा कुछ फेस नहीं किया था। बाकी स्नैपड्रैगन 870 की पावर इसमें भी मिल जाती है, गेमिंग एक्सपीरियंस काफी बढ़िया है, हीटिंग इश्यूज नहीं नोटिस किए, बैटरी बैकअप भी काफी कमाल का लगा था मुझे इस वाले स्मार्टफोन का। बस कैमरा के मामले में ये Vivo X60 और IQ 7 Legend से थोड़ा पीछे रह जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको टेलीफोटो कैमरा नहीं दिया गया है, हालांकि OIS इसमें भी मिल जाता है। इमेज क्वालिटी की बात करते हैं तो नेचुरल इमेज तो इसमें भी कैप्चर नहीं होती है, बट ओवरऑल जो इमेज निकल के आती है ज्यादातर यूजर्स को पसंद आती है। बाकी 4G प्लस का सपोर्ट इसमें भी मिल जाता है, 5G स्मार्टफोन ये वाला भी है। अगर कॉन्स की बात करते हैं तो IQ 7 में प्राइस के हिसाब से मतलब काफी कम कॉन्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे भी 3.5 हेडफोन जैक नहीं मिलता, तो इसे मैं कॉन्स की लिस्ट में ऐड कर सकता हूँ। अदरवाइज काफी ज्यादा क्लोज टू परफेक्ट स्मार्टफोन है ये वाला, चाहे हैप्टिक फीडबैक की बात कर लें, साउंड एक्सपीरियंस की बात कर लें, ओवरऑल डिवाइस काफी बढ़िया है। और यहाँ पे जितने भी स्मार्टफोन मैंने आपको बताए OnePlus 9R को छोड़ के सभी में खुद का डायलर मिल जाता है, सभी में आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं चुपके से। OnePlus 9R में बाय डिफॉल्ट गूगल का डायलर मिलता जरूर है, लेकिन OnePlus का डायलर आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं जिसमें कॉल रिकॉर्डिंग वाला फीचर भी आपको मिल जाता है। और इनमें से भी ज्यादातर स्मार्टफोन्स के रिव्यू या फिर कुछ और वीडियोज में बना चुका हूं, तो अगर आप चाहें तो उन्हें भी चेक कर सकते हैं। और सैमसंग गैलेक्सी S20 फैन एडिशन 5G का रिव्यू बहुत जल्द आपको चैनल पर मिल जाएगा। और हाँ, एक चीज और, अगर आपको इनमें से कोई भी स्मार्टफोन बाय करना है, आपको पसंद आता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऐड किया हुआ है, उससे आप बाय कर सकते हैं। अगर आप उससे बाय करते हैं तो थोड़ी सी हेल्प मेरी भी हो जाएगी, तो ये भी आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ भी सजेशन हो आपके तो वो आप ऐड कर सकते हैं कॉमेंट करके।